नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 31 जनवरी को धान खरीदी का अंतिम दिन है। 1,30,000 का लक्ष्य शायद सरकार ने रखा है, लेकिन सरकार अब तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस जहां धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार सरकार से कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर साय सरकार भी इस दिशा में एक बड़ा फैसला ले सकती है। छत्तीसगढ़ में विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में धान खरीदी अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाने की मांग की है और दावा किया है कि 5 लाख से ज्यादा किसानों ने अभी तक अपनी उपज नहीं बेची है। धान खरीदी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार से इसकी समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। दरअसल पिछले साल 1 नवंबर को शुरू हुआ खरीदी अभियान 31 जनवरी को खत्म होने वाला है। ऐसे में जहां किसान पहले ही समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं होने से गुस्से में हैं और परेशान भी, वहीं अब धान बेचने के लिए महज 5 दिन का ही समय बाकी रह गया है, जिसने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इस मामले पर सांसद दीपक बैज ने बुधवार को एक बयान में कहा कि धान खरीदी अभियान को 1 मार्च तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि खरीदी का लक्ष्य हासिल किया जा सके और किसान अपनी उपज बेच सके। उन्होंने दावा किया कि 5 लाख से ज्यादा किसानों ने अभी तक अपना धान नहीं बेचा है। बैज ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का आदेश देने से पहले बड़ी संख्या में किसान पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा निर्धारित प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान पहले ही बेच चुके थे और उन्हें अभी भी प्रति एकड़ अतिरिक्त 1 क्विंटल धान बेचना बाकी है। कांग्रेस सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2023-24 में 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था। प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी के फैसले के बाद खरीद लक्ष्य भी बढ़ जाएगा। बैज ने कहा कि किसानों से कम 150 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए धान खरीदी अभियान को 1 माह बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा बैज ने धान खरीदी केंद्रों पर कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि किसानों को टोकन जारी करने और उपज की तौल करने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। दीपक बैज ने आगे दावा करते हुए कहा कि जैसा कि भाजपा ने वादा किया था, किसानों को धान का प्रति क्विंटल 3100 रुपए अभी तक नहीं मिला है और खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले महीने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार के पेश किए गए अनुपूरक बजट में धान खरीदी के लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया था। बैज ने मांग करते हुए कहा कि किसानों को प्राथमिकता के आधार पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल देना चाहिए। वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी साय सरकार से अपील करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी 3-4 दिन बचे हैं। कितने किसान, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हुआ है, धान कम बेचे हैं, तो इन किसान यदि धान नहीं बेच पाए हैं तो स्थिति देखनी पड़ेगी। कितने किसान नहीं बेच पाए हैं, इसमें तिथि बढ़ाई जानी चाहिए यदि किसान धान नहीं बेच पाए। इधर सीएम साय ने भी इस ओर बड़ा इशारा किया है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो लक्ष्य हम लोगों का था 1,30,000 मीट्रिक टन धान खरीदने का, वो हमको लगता है कि 31 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसानों की मांग आएगी, धान अगर बेच नहीं पाएंगे तो सरकार जरूर सोचेगी। धान खरीदी को लेकर कांग्रेस की इस मांग के बाद ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कई मौकों पर बोल चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में किसानों के लिए सरकार कब बड़ा फैसला लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।